अच्छा, ईमान के ऊपर क्या क्या पाबंदियां लगाई पूरे सब ने? दो बड़ी बहनें, तीन बड़ी बहनें, तीन बड़ी बहन वो तो, लेकिन जो दो हैं वो ज्यादा वो वाली पेरेंटिंग वाली चीज हो जाती है ना, क्योंकि उनका उनका फर्क थोड़ा ज्यादा है कि वो स्ट्रिक्ट भी थी, स्ट्रिक्ट भी थी। हाँ। तो क्या क्या पाबंदियां थी ईमान के ऊपर? ईमान पहले तो हमें इतना नहीं था कि हम थोड़ा फ्रैंक हो जाएं। अच्छा, पहले कम्युनिकेशन नहीं थी। अब बहुत ज्यादा हो गई है, अब ज्यादा अब फ्रैंक है हम। पहले तुम लोग डरते होते थे कि भाई होमवर्क टाइम पे करना है और ये सब, या नहीं डरते थे? नहीं, सबसे बड़ी वाली से था थोड़ा, उनको एक बड़ी बहनों की तरह ये था, फ्रैंक नहीं थे। अच्छा, अब है तो पहले उनसे था कि प्रॉपरली बात करनी है उनसे। हाँ। कुछ बुरा ऐसा वैसा नहीं बोलना कि माइंड कर जाए। हाँ। तो लेकिन बाकी दो जो थी ना उनके साथ बहुत सही था। अच्छा। उनके साथ ऐसा नहीं था, तो बस यही था कम्युनिकेशन का थोड़ा सा था। ये था घर जल्दी आना है, देर बाहर नहीं रहना, ये वाली चीज़। ये मम्मा ने सुपुर्द नहीं की, वो जो अक्सर होता है माएँ सुपुर्द कर देती हैं बड़ी बहनें और बड़े भाइयों के, आपने अपने पास ही रखी। हाँ, एक हद तक अथॉरिटी है लेकिन फिर भी आए कीप अ चेक। हाँ, जैसे मैं भी नहीं देती, मेरे दो बड़े बच्चे हैं, छोटा है, आपस में वो हो जाता है अंडरस्टैंडिंग या कुछ, लेकिन अगर मैंने जो जिन चीज़ों से मना किया है वो चीज़ें फिर मैं किसी कीमत पे नहीं बर्दाश्त करूँगी कि हों। ओके, बिकॉज फ्रीडम भी एक हद तक बहुत ज़्यादा है। हाँ। बट ये है कि उसके अलावा ये है कि नहीं, क्योंकि जो बड़े बहन भाई होते हैं उनको इतना शौक होता है ना अब्बा बनने का, अम्मा बनने का, छोटे बहन भाई इतना मजा आता है ना उनको रोप झाड़ने में। शुरू में जरा नुकसान होता है, मतलब उनके लिए तो बड़ा मजा आता है कि वो लाइक अनिया वाज 10 व्हेन नबीहा वाज बोर्न, तो उस वक्त तो बहुत उनको के बेबी होल्ड और उनका एंजॉय करना नबीहा का सारा, लेकिन उसके बाद फिर उसका फायदा भी होता है बिकॉज वो चीजें आपको बहुत सारा पेशेंस सिखाती है, बहुत केयरफुल होना सिखाती हैं, यू नो कि आप एक फ्रेजाइल बेबी को टेक केयर करके और उसको उसके साथ रह रहे हैं, तो उसके बाद जो 4-5 साल के बाद एक चेंज आता है बड़े सिबलिंग्स में, बहुत पॉजिटिव होता है। बहुत पॉजिटिव होता है।